नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। सभी नौ ग्रह नियत समय पे राशियों में गोचर करते हैं, अन्य ग्रहों के साथ युति भी बनाते हैं। इन ग्रह गोचर और ग्रह युति से कई शुभ और अशुभ योग बनते हैं। इस समय शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, साथ ही सूर्य भी कुंभ राशि में स्थित और शनि के साथ युति कर रहे हैं। वहीं गुरु और शुक्र मीन राशि में युति कर रहे हैं। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, इस तरह इन महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति पांच शुभ योग बना रही है। 19 फरवरी 2023 से केदार, शंख, सस, ज्येष्ठ और सर्वासिद्धि योग बने हैं। इस तरह पांच महायोगों का बना दुर्लभ संयोग 700 साल बाद अपना प्रभाव दिखाएगा। इस योग का स्वप्रभाव कुछ राशियों के जातकों पर दिखने को मिलेगा, जैसे मिथुन राशि। पंचों के फलस्वरूप मिथुन राशि वालों के लिए शुभ काल की शुरुआत होगी। आप जो काम कर रहे हैं वो बन जाएगा। मिथुन राशि के जो जातक नौकरी पैसे है उन्हें प्रमोशन मिलेगा। कामकाज में अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए कोई बड़ा अनुबंध तय हो सकता है। फलस्वरूप धन में वृद्धि होगी। सिंह राशि। पंच महायोग के फलस्वरूप सिंह राशि वालों के लिए शुभ समय शुरू हो गया है। सिंह राशि वालों के जीवन के विभिन्न कार्यों में सफलता मिलेगी। उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। सिंह राशि वालों के लिए करियर के मार्ग प्रशस्त होंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। धनुराशि। धनुराशि के जातकों को पंच महायोग से लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। कर्मचारियों को वेतन और पदोन्नति में वृद्धि मिलेगी। धनु जो व्यापार करते हैं उनको लाभ में वृद्धि होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को पंच महायोग अच्छे परिणाम देगा। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति में इस दौरान सुधार होगा। पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। साझेदारी के व्यवसाय में लाभ होगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं उन्हें अनुकूल परिणाम मिलेंगे। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल।